ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं प्रदेश की ओर। बिलासपुर में बजरंग दल ने धर्मांतरण को रोकने व नशे की चपेट में आने वाले युवाओं को रोकने के मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बिलासपुर में बजरंग दल के प्रदेश संयोजक तुषार डोगरा की अध्यक्षता में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्रदेश भर से बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिलासपुर में बजरंग दल ने धर्मांतरण को रोकने व नशे की चपेट में आने से रोकने के मुद्दों को लेकर प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान चलाएगा। बिलासपुर में बजरंग दल के प्रदेश संयोजक तुषार डोगरा की अध्यक्षता में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्रदेश भर से बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सेमिनार में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री नीरज धनेरिया उपस्थित रहे। इस बैठक में 3 सत्र हुए। उद्घाटन सत्र में नीरज धनेरिया ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की विधिवत शुरुआत की। उसके उपरांत सभ्य लोटिया ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। बैठक का द्वितीय सत्र अधिवक्ता तुषार डोगरा पान संयोजक बजरंग दल ने लिया। इस बैठक का द्वितीय सत्र अधिवक्ता तुषार डोगरा पान संयोजक बजरंग दल ने लिया, जिसमें आने वाले आगामी 6 महीनों के कार्यक्रम की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें पहला प्रस्ताव ये है कि पूरे प्रांत में प्रखंड स्तर पर बजरंग दल त्रिशूल दीक्षा आयोजित करवाएगा। वह दूसरा प्रस्ताव ये है कि बजरंग दल पूरे प्रांत में नशा मुक्त हिमाचल के नाम से अगले 6 महीने तक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। जिला संचालक RSS इंदर सिंह डोगरा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वह विस्तार से बजरंग दल की कार्य पद्धति, उसके उद्देश्य पर विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री नीरज धनेरिया ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि बजरंग दल वह संगठन है जो देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। बजरंग दल की आज प्रांत की प्रथम बैठक बिलासपुर में आयोजित की गई है, जिस बैठक में हिमाचल प्रदेश के 125 प्रखंडों से लगभग 125 कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। आज एक बजरंग दल हिमाचल प्रदेश अभियान पूरे हिमाचल प्रदेश में लॉन्च करेगा, जिसे नशा मुक्ति के नाते नशा मुक्त हिमाचल के नाम से इसे लॉन्च किया जाएगा। वर्तमान प्रदेश के अंदर जो युवा नशे की गर्त में जा रहा है, उस गर्त से निकालने के लिए हम लोग त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम, संगोष्ठियां, जागरूकता सम्मेलन और इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, ताकि आने वाला युवा जो देश का भविष्य है वो भविष्य सुरक्षित रह सके और नशा मुक्त हिमाचल की एक शुरुआत आज यहां से की जाएगी।